आइए बेटी डिस्कस करें कनकेव एंड कन्वेक्स की रिफ्लेक्शन कैसे होगी। और बेसिकली बेटे हमें कनकेव और कन्वेक्स के साथ रिलेटेड जो हमारी बेसिक टर्म्स हैं उनका भी पता होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्शन की बात कर पाएंगे हम। सो आओ बेटा सबसे पहले बात करें इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन इन बेटे कनकेव मिरर। बेटा बेटे डियर चिल्ड्रन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप इमेजेस बनाओगे फ्री हैंड से बना लेना, स्केल वगैरह की जरूरत नहीं है। एक दो बार बनाओगे आपके बिल्कुल परफेक्ट बनने लगेंगे। स्केल और वो जो आपका है सर्कल सा वो यूज नहीं करिएगा, ड्रॉ इट फ्री हैंड। बेटे पहला पॉइंट है जब आपका ऑब्जेक्ट जो है बेटा इट इज एट इंफिनिटी, देन आपका इमेज कैसा बनेगा ऑब्जेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंगली, वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन दैट। जो बच्चों ने ऑलरेडी किया हुआ है वो भी दोबारा करके देख लो साथ साथ, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अदरवाइज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, डियर चिल्ड्रन इमेज कैसा बनेगा आइए इसको देखें, सोचें और समझें। बेटा ये आपके पास आपका कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बेटा इनसाइड ऑफ द स्पून को आप सोच सकते हो आपका कनकेव सरफेस होता है, और आपने ये वाली लाइन को आपने बेटे कौन सी लाइन बोला हुआ है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब ध्यान दीजिएगा आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो ये डॉटेड लाइंस के साथ मैं शो कर रहा हूं, ये डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है। जब आपका रे बेटे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन बेटे इट पासिस थ्रू द फोकस। तो आप इस तरीके से, ये आपका बच्चों इंसिडेंट रे है और ये आपका बेटे रिफ्लेक्टेड रे, राइट। आपको लिखने की कैसी मेजरमेंट, नहीं 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 बेटे आपने मेजरमेंट नहीं करना, आपने रफली अंदाजे से बना लेना है, फ्री हैंड बना लेना है, हमने एग्जैक्ट मेजरमेंट करने नहीं बैठना प्रेजेंटली, ठीक है जी। दो चार बार आप करोगे तो आप अपने आप बिल्कुल ठीक बनाने लग जाओगे। सेकेंडली बेटा एक और आप रे इमेजिन कर लीजिए इंफिनिटी से आ रही है, आप इसको कुछ इस तरीके से प्लॉट कर लोगे, ये भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है एंड वी एक्सपेक्ट कि ये फोकस में से पास कर जाएगी, एंड ये वाले पॉइंट पे देखिए फोकस वाले पॉइंट पे आपके दोनों रिफ्लेक्टेड रेज बेटा एक्चुअल में मीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें लग ही रहा हो कि मीट कर रहे हैं, एक्चुअल में मीट कर रहे हैं। और जब भी आपके रेज एक्चुअल में मीट करते हैं वी गेट द रियल इमेज फॉर्म। सो डियर स्टूडेंट्स इमेज फॉर्म विल बी रियल, इट विल बी इनवर्टेड, इट विल बी पॉइंट साइज एंड इट विल बी एट फोकस। बेटे इस चीज का खास ध्यान रखिएगा साथ साथ आप बेटे, ये जो आपकी इमेज फॉर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको जरूर नोट करते चले जाइएगा साथ साथ, राइट बेटा। सेकेंड केस आपका जो ऑब्जेक्ट है बेटा इट इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जब आप प्लेस कर देते हो तो कैसे इमेज बन जाएगा, आइए फोकस करें साथ साथ आप कर लीजिए। दिस इज योर कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस या कनकेव मिरर आप कह सकते हो सिंपली, ये आपका पेंटेड सरफेस, फ्रंट वाला पॉलिश्ड सरफेस एंड दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका डियर चिल्ड्रन पोल, ये फोकस, ये सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड जब आप अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करते हो, लेट इट बी योर ऑब्जेक्ट बेटा, ऑब्जेक्ट का नाम ए भी रख दें, आपका इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस विदी। सेकेंड हमने बेटा ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से सॉरी पास करती हुई लाइन ली, रे ली,
नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, एंगल आई जीरो होगा, एंगल आर भी इस पॉइंट पे रेज असल में मिल रही हैं, इमेज फॉर्म्ड विल बी ए डैश बी डैश, अगेन इट इज रियल, इट इज इनवर्टेड, इट इज इसके कंपैरेटिवली बड़ा है कि छोटा, डिमिनिश या स्मॉल इन साइज कह लो, और बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ बेटा, राइट। कोई बात मुश्किल तो नहीं लग रही, फिजिक्स है ही बहुत आसान, लेकिन आपको रेगुलरिटी रखनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स रेगुलरली काम करते हैं, आज का काम कल पे नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए ये बहुत सौखा कंसेप्ट है। अदरवाइज अगर हम काम अपना छोड़ देते हैं आज का कल पे, फिर थोड़ा मुश्किल आ जाता है। तीसरा केस है आपका, व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपने अपना ऑब्जेक्ट रखा, देन व्हाट टाइप ऑफ इमेज विल बी फॉर्म बेटा, ऑब्जेक्ट एट सी डियर चिल्ड्रन, इमेजिन कर लीजिए अगेन, ये आपका कंकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेटा, फ्री हैंड ड्रॉ करते चले जाएंगे जैसे मैं कर रहा हूं, आप उसी तरीके से ड्रॉ करेंगे, नो स्केल, नो कंपास, नो डी, नो मेजरमेंट, रफली अंदाजे से बना लेंगे, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज ए पार्ट, वेरी राइट, इट मींस आपको डेफिनेशन याद है। आपने ऑब्जेक्ट ए भी रखा सी पे, इंसिडेंट रे आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से पास कर जाएगा इन दिस वे, राइट। एंड डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी विल बी टेकिंग इनटू अकाउंट द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, यस, इट विल बी गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दिस वे बेटा, ये रेज असल में मीट कर रही है इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट आपका बेटे अगेन सी पे ही है, ए डैश बी डैश आपका इमेज बन गया, उल्टा बन गया, रियल बन गया, सेम साइज का बन गया और सेम पॉइंट पे भी बन गया, राइट। ओ फिर थोड़ा बहुत डिस्टेंस आपका एडजस्टमेंट करने वाला रह गया होगा, अगर आप ये डिस्टेंसेस बराबर के रफली नहीं लोगे तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, आप अकॉर्डिंगली मैनेज कर लीजिए, कोई बात नहीं, हो जाता है। इमेज फॉर्म्ड इज बेटा रियल, इट इज इनवर्टेड, इट इज एट सी, इट इज ऑफ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपको सब आता है। डी पार्ट, फोर्थ पार्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ बेटा, लेट अस सी व्हाट टाइप ऑफ सेटअप वी आर गोइंग टू गेट, इमेजिन कर लीजिए ये आपका अगेन कंकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपका पेंटेड पॉलिश्ड सरफेस आपका फ्रंट वाला हो जाएगा बेटा, ये लाइन को आप क्या कहा करते हो, की बात है, ये पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने मिडल में ऑब्जेक्ट रखा ए बी, राइट, इंसिडेंट रे इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू द, लेट इट गो, राइट। देन आप अब जरा ध्यान दीजिएगा, फोकस में से पास करती हुई रे ये वाली इमेजिन कर लीजिए, इट इज गोइंग जस्ट लाइक दिस बेटा, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड लेट वंस अगेन इट गो, ये पैरेलल लग रही है ना, यहां से नहीं लग रही ना, यस, नाउ इट सीम्स, ये आपका इमेज बन गया ए डैश एंड बी डैश,
कैसा है ये? मैं करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूं बेटा, मैग्नीफाइड भी है और रियल भी है, इनवर्टेड भी है, बियॉन्ड सी, गुड। इट इज बेटा रियल, इट इज इनवर्टेड, इट इज मैग्नीफाइड, एनलार्ज भी कह सकते हो, इट इज बियॉन्ड। बहुत बढ़िया, ओके, साथ साथ करी जा रहे हो ना उत्तर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, गुड। देन बेटा फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ जी, ओके ओके, एफ पे कर लो, कोई बात नहीं, अपने केसेस हैं सारे। ऑब्जेक्ट एट फोकस, सी वाला आप कर चुकी हो, फोकस वाला रहता है। लेट अस प्रोसीड विद दिस, शुड आई ड्रॉ बेटा? चले आगे। ये आपका कंकेव मिरर, कंकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपने पहले ही बना रखे हैं बेटा, नहीं वो गुड़िया लास्ट में। हाँ जी, नहीं, बेटे मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ कि पहले ही बना लिए हुए हैं, अच्छी बात है, गुड बेटे। ये पोल, ये फोकस एंड ये सी, सी पे आप कर चुकी हो, फोकस पे आपने अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया, ए एंड बी, ये पैरेलल रे जा रही है एंड फोकस में से आ जाएगी। और ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये रे ऐसे गया, ऐसे ही वापस आ जाएगा। बड़े ध्यान से देखेंगे, आपके रेज इंफिनिटी पे मीट कर रहे हैं, मतलब आपका इमेज फॉर्म जो है रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड होगा ये बेटा। इट विल बी रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड एंड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे बन रहा है ना, समझ आ गई बात बेटे सारे स्टूडेंट्स को? Yes, कोई मुश्किल, कोई दिक्कत, कोई बात तो नहीं है? बढ़िया। लास्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, हाँ जी हाँ जी बोलो पुत्र, ये हो गया कि नहीं? ये बनाओ 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 बनाओ, कोई बात नहीं, आराम से बनाओ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हो डन बेटे, गुड। देन बेटे लास्ट केस है हमारा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन वेरी राइट वेरी राइट, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस बेटे, राइट। तो आओ बच्चों देखें, बनाकर डायग्राम, रे डायग्राम रादर। ये आपका कंकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पेंटेड है कि पॉलिश्ड? हाँ जी, ये पेंटेड है, यस, उल्टा बोल गए थे आप पहले, है ना? तो ये बेटे पॉलिश किस चीज से करते हैं? सिल्वर से, गुड। और ये आपका फोकस, ये सी, ऑब्जेक्ट हमने रखा यहां पे, ऑब्जेक्ट का नाम ए भी रख दें, जो ये पैरेलल जा रहा है फोकस में से आ जाएगा, आने दीजिए। देन आपका ये सी में से कुछ इस तरीके की चीज बन गई जी, एंड लेट इट गो लाइक दिस। आप अपनी रेज को एक्सटेंड कर दीजिए बैकवर्ड डायरेक्शन में, आपको लगेगा कि ये दोनों रेज यहाँ पे अपीयर हो रही हैं मीट करती हुई, असल में नहीं मिल रही हैं। ए डैश बी डैश, फिर कैसा बना इमेज? वर्चुअल और इरेक्ट,
और बियॉन्ड द मिरर और मैग्निफाइड, राइट? इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज लिख दूं, मैग्निफाइड लिख दूं, एक ही बात है ना? एंड बियॉन्ड ऑन द अदर साइड लिख देते हैं, ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। मोबाइल मत यूज करिए अगर किसी के पास है तो, ठीक? हाँ जी, हाँ जी। सर ये पैरेलल लाइंस आ रही हैं, पैरेलल पैरेलल। सर ये इंफिनिटी पे मीट कैसे करेंगे, पैरेलल लाइंस को मीट नहीं करेंगे? इंफिनिटी पे मीट करने का भी मतलब ये होता है कि मीट नहीं कर रही हैं। बहुत बड़ा आपका इमेज बना पड़ा है, इसका मतलब है कि जब आप इमेज को देखोगे आपको एट अ सिंगल गो पूरा इमेज नहीं दिखाई देगा, आपको उस इमेज ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई देगा, मीट नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। राइट बेटा? हाँ जी पुत्र, चलें आगे। देन कन्वेक्स के भी दो केसेस हैं, वो भी कंप्लीट कर लें, देन वी विल बी प्रोसीडिंग अहेड विद द डिस्कशन। लेट अस हैव दैट। कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसा आप बना पाओगे, कैसा लगता है इमेज? लेट अस फोकस अपॉन कन्वेक्स मिरर बेटा। When the object is at infinity, पहला केस आपका वही रहेगा। आइए ड्रॉ करें, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये आपका बच्चों कन्वेक्स मिरर। इसका पेंटेड और पॉलिश सरफेस में फर्क पता है आपको? ये कौन सा है सरफेस? ये वाला पॉलिश्ड या रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी आप कह सकते हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। And this line is very right. This is pole. ये आपका focus, roughly center of curvature, right? जो आपका object infinity पे पड़ा है, इस object से ये एक ray आ रही है, dotted line की form में बना दिया मैंने इसको। आपको लगेगा कि ये after reflection कहाँ से आ रही है? फोकस में से, ठीक है? फोकस में से, तो फिर ये ऐसे ही आती हुई लगेगी हमें, जरा चेक करिएगा सारे बच्चे, ये देखो ऐसे ही लगेगी, क्या कहते हो? ऐसा क्यों है भाई, कोई रीजन बता सकते हो आप? हाँ जी, हाँ जी, जो पैरेलल है वो फोकस में से पास करेगी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन अगर हमने बेटे ध्यान दीजिएगा और जस्टिफिकेशन देना हो तो आप ये सी को और इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, राइट? सी को और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, लेट मी ज्वाइन बेटा, ये आपका ज्वाइन करने पे ये लाइन बन गया। अगर थोड़ा सा आप और सोचिएगा, अगर मैं ये स्फीयर पूरा ड्रॉ कर दूं ऐसे, ये जो आप नहीं देख पा रहे हो है ना, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है, रेडियस हमेशा नॉर्मली होता है, पढ़ते हो ना मैथ में, इसका मतलब ये हुआ ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या हैं? इक्वल है, और अगर इक्वल है तो दैट इज वाई इट विल अपीयर टू बी पासिंग थ्रू द फोकस, बिकॉज एंगल ही बराबर हो गया, राइट? देन एक और एक कंसिडर कर लीजिए, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है, यहां पे पहुंच गई, आपको क्या लगेगा कि ये ऐसे आ रही है? तो आपको ये देखिए, ये वाली रे और ये वाली रे फोकस पर लग रहा है कि मिल रही है, असल में तो नहीं मिल रही है ना बेटा? तो आपका इमेज कैसा हुआ जी? वर्चुअल और इरेक्ट भी हो गया और पॉइंट साइज भी हो गया और ऑन द, चलिए एट फोकस लिख लो, बात खत्म करो, एट फोकस, ठीक है जी?
राइट, क्लियर टू ऑल? कोई दिक्कत, कोई मुश्किल, कोई शक, कोई बात? साथ साथ बना रहे हो ना? इधर बच्चे जो बैठे हैं, आदित्य शर्मा, जपलीन, प्रभनु, रूहानी, सिमरलीन, सहज, जानवी, आपको म्यूट नहीं किया बेटा? यस, ओके। सेकंड केस है, ध्यान दीजिएगा, कर लीजिएगा काम पहले बेटे, बाद में बातें करनी है हमने काफी। आपका ऑब्जेक्ट अब कहाँ कंसीडर करें? नहीं नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट यस, हम ऐसे कह देते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियर टू द मिरर, ऐसे कह देते हैं, है ना बेटा? एक ही बात हो गई, ऑब्जेक्ट नियर टू द मिरर। अब इसमें दो ही हैं, आप नियर में जितना मर्जी नियर रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो, यहां जितने मर्जी बनाते जाओ, दिस इज अप टू यू, राइट? तो आइए देखें, ये आपका कौन सा मिरर और ये कौन सा सरफेस? पक्का? और ये लाइन को क्या कहते हैं? वेरी नाइस, अब आपको चीजें आ गई हैं सारी। ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सी हो गया, ऑब्जेक्ट का नाम ए भी रख दें? यस सर। ये लीजिए, आपने कहा और हमने रख दिया ए भी नाम इसका। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, वेयर इट विल गो? नहीं नहीं, फोकस से तो लगेगा ना कि ये जा रही है, जाएगी तो इधर ही ना ये, राइट? एक और ही कंसीडर कर लें, सी में से पास करवा दें, करवा देते हैं। चलिए लीजिए बेटा, ये रे आपका सी की तरफ जा रहा है, लेकिन रास्ते में कौन मिल गया? मिरर। अगर मिरर ना होता तो इसने कैसे जाना था? ऐसे चले जाना था। अब ये ऐसे गई और ऐसे ही ये रे वापिस आ रही है, इसको ये जाने दीजिए, ऐसे चली गई, राइट? इस पॉइंट पे आप लोग, आपको लग रहा है कि ये दोनों मिल रही हैं, असल में तो नहीं मिल रहे। एंड हियर इमेज फॉर्म विल बी ए डैश बी डैश, ये स्मॉल इन साइज, इरेक्ट भी है, वर्चुअल भी है, एंड बिटवीन द पोल एंड द फोकस। सो इमेज फॉर्म इज विद अ वर्चुअल, इट इज इरेक्ट एंड इट इज स्मॉल इन साइज एंड इट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट बेटा? क्लियर नैना? बिल्कुल क्लियर, yes, इसके बाद बेटा हमारे पास साइन कन्वेंशंस का कंसेप्ट आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिहाइंड द मिरर, अदर साइड ऑफ द मिरर कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, क्यों नहीं कह सकते? चलें आगे। इसके बाद बेटे डियर चिल्ड्रन, हमारे पास साइन कन्वेंशंस आ जाती हैं जो मिरर्स में यूज किया करते हैं, इन ऑर्डर टू हैव द डिफरेंट रिलेशनशिप्स बेटे डिराइव। पहले आपको समझा देता हूँ, फिर मैं वन बाय वन लिखवा भी देता हूँ। जितने भी हमने केसेस किए हैं, कोई भी आप केस देख लीजिए, ये आपका इंसिडेंट रे है ना बेटा? रिफ्लेक्टेड रे भी आपको पता है किधर जा रहा है, किस केस में किधर जा रहा है, पोल का भी आपको पता है। और बच्चों ये देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, कई केसेस में इमेज नीचे को बन रहा था, इस चलो यहां तो ऊपर ही बन रहा है। अब बेटे साइन कन्वेंशंस आपको कहती हैं, ये गुरसेवक सिंह अब आ रहा है, ये साइन कन्वेंशंस बेटे हमें कहती हैं, पांच साइन कन्वेंशंस सुन लीजिएगा ध्यान से। पहला पॉइंट ये है कि हम सारे ही डिस्टेंसेस जितने भी हों उनको पोल से मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे। इस केस में पोल यहां पे रहेगा, कनकेव के केस में पोल आपका
अदर साइड हो जाएगा। अगर आप इसको पॉलिश इसको पेंटेड कह लोगे तो पोल आप इधर से फिर इस तरफ आ जाओगे। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट बेटा, चाहे आपका मिरर कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, आपने जितना भी मयरमेंट करना है पोल को एज एन ओरिजिन लेके कहीं मयर करना। फिर मैं रिपीट करूं अगर तीसरी बार, स्केल आप यूज करते हैं डिस्टेंसेस के मयरमेंट के लिए, स्केल का जीरो आपने पोल पे रखना है। दिस इज व्हाट आई मीन टू से, राइट बेटा? दूसरी बात अपने माइंड में रखिएगा, जितने भी डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट होते हैं, दे आर ऑल टेकन एज पॉजिटिव, राइट? ये आप लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हो, लाइट इधर जा रही है ना, आप लाइट के साथ जा रहे हो। अब इसमें इस केस में देख लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्ट पड़ा था, आप ऑब्जेक्ट से लाइट की डायरेक्शन में चले गए। आपको अभी अभी बताया कि डिस्टेंस आपने कहां से मेजर करना शुरू करना है, पोल से। जब आप पोल से बच्चों इधर को डिस्टेंस मेजर करोगे तो आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हो कि अपोजिट जा रहे हो? अपोजिट जा रहे हो। तो अगर आप अपोजिट जाओगे तो आप डिस्टेंस के साथ नेगेटिव साइन अटैच कर देंगे। अगर आप सेम डायरेक्शन में जाओगे, सेम कैसे जाओगे वो भी देखिए, आप इमेज का डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो, आप इधर चल पड़े, चल पड़े ना, तो लाइट भी इधर ही जा रही है, तो आपकी डायरेक्शन सेम हो गई। व्हेन द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, देन इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, राइट? सो बच्चों सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करने शुरू करने हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में हैं वो पॉजिटिव, जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो नेगेटिव। और तीसरी बात, जो डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड हैं, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जो है ये पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जो है नेगेटिव लेने हैं। ये पांच छोटे छोटे पॉइंट्स, सीधी सीधी बातें, फिजिक्स बहुत आसान है। ठीक है, गुड। सो आइए बेटे इनको एक सिस्टमेटिक वे में लिख लें। अब समझ सारे बच्चों को आ गया बेटा? लिख लीजिए बेटे, साइन कन्वेंशंस यूज्ड इन द मिरर्स, साइन कन्वेंशंस यूज्ड इन द स्फेरिकल मिरर्स लिख लेना पुत्र, अदर। हाँ जी, हाँ जी, बोलते। नहीं, ये बेटे हम सिर्फ अपने साइन कन्वेंशंस के लिए ही कह रहे हैं, अदरवाइज डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे फिर उसके बेसिस पे, अदरवाइज हम अगर ये साइन कन्वेंशन लेके चलेंगे तभी हमारा वो एडजस्टमेंट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। लिखिएगा बेटे, साइन कन्वेंशंस यूज्ड इन द स्फेरिकल मिरर्स, पहला पॉइंट लिख लीजिए बेटा, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड विद पोल एज द स्टार्टिंग पॉइंट। बेटे पोल से आप स्टार्ट करोगे डिस्टेंसेस का मेजरमेंट, राइट? सेकेंडली, डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, दीज आर टेकन पॉजिटिव। डिस्टेंसेस इन ए डायरेक्शन, बेटी एक मिनट आपका लूंगा प्लीज मैं, इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द इन टू द लाइट, दीज आर टेकन नेगेटिव। डायरेक्शन 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 शॉर्ट में लिख दिया है, आपका टाइम सेव करने के चक्कर में हूं मैं तो फ्री हूं। फोर्थ है, डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है बेटा, परपेंडिकुलर टू द
प्रिंसिपल एक्सिस एंड अपवर्ड, दीज आर पॉजिटिव डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर एंड डाउनवर्ड. वेरी फाइन, वेरी नाइस. इनको लेकर कल फिर हम आगे चलेंगे, कुछ बातें करेंगे, फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू ऑल. हाँ जी बेटे, टू द थैंक यू.